आज सुबह सुबह दद्दू जी के सब्र का बांध टूटता है और अपने दिल में दबी हुई एक बात मुझसे कहते हैं कि बेटा बाल कटा ले, कब तक जुओं की जायदाद अपने सर पे लेके टहलेगा, किसी का बसा बसाया घर में कैसे उजाड़ सकता हूँ। बस इसी धन संकट में मैं फंस चुका था। मैं जब जब बाल बनाता मुझे यही बातें याद आती और अपने निजी जीवन की समस्याओं से लड़ने की शक्ति मांगने मैं जा रहा हूँ अपने प्रभु से मिलने। इसी खुशी में मैं झूमते झूमते पहुंच जाता हूँ हनुमान धाम और प्रसाद लेकर जयकारा लगाता हूँ, जय बजरंगबली जय श्री राम। अब इस मंदिर की खूबसूरती और पॉजिटिविटी शब्दों में बयां कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। मंदिर का पिछला हिस्सा भी बेहद मनमोहक है, जहाँ का नजारा देखने के बाद आप उसे अपने कैमरे में कैद करने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ झूले देखकर मैं सरपट दौड़ लगाता हूँ, परंतु इस पर कुछ लोग अपना परमानेंट अधिकार जमाए बैठे थे, अपनी तशरीफ ही नहीं उठा रहे थे, तो मैं नाव में बैठने चला जाता हूँ। इस पर बैठने का रेट केवट बताता है 300 रुपए, जिसे सुनकर मुझे नाव से ही फोबिया हो गया। अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ, मेरे आईब्रो के बीच में ध्यान से देखना, बताओ क्या हुआ, कमेंट में बताओ क्या हुआ।